नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। और आज हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई थी कि जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग से आप अपने गन्ने की जो हाइट है वो लगभग 1 से 1.5 फीट 1 सप्ताह के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और पास वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हम अपनी फसल में कैसे करें, गन्ने में किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड है, ये गजब के नाम से आता है, इंडो गल्फ कंपनी का है और इसकी जो कीमत है वो मात्र 45 रुपये है, जबकि इस पर जो प्राइस पड़े हुए हैं वो 65 रुपये के आसपास हैं। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं गन्ने के अंदर, कितनी इसकी मात्रा लेनी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो मात्रा है इसके अंदर लगभग 1.5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड, 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड निकलता है। 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड हम लगभग 1.5 बीघा गन्ने के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज करने का तरीका है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसे यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एल्कोहल की मात्रा लेनी होती है, एल्कोहल यानी कि दारू। अगर आप इंग्लिश की जो हाफ होता है या इंग्लिश का आप एक क्वार्टर ले सकते हैं हिंदी भाषा में, तो आपको एल्कोहल की मात्रा लेनी होगी। 1 क्वार्टर के अंदर आप 1 जिब्रेलिक एसिड का जो पाउच है ये पूरा डाल सकते हैं। इसके अंदर एक पाउडर फॉर्म में निकलेंगे, एक अंदर निकलता है और एक पुड़िया के अंदर निकलता है। इन दोनों को आप एक अखबार पर पलटें और पलटने के बाद इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करके अपने एल्कोहल के अंदर डाल दें। एल्कोहल के अंदर डालने के बाद ये लगभग 5 मिनट के अंदर एल्कोहल में अच्छी तरह से घुल जाएगा। एल्कोहल में घुलने के बाद आप अपने इस लिक्विड को अपने पानी की टंकी में यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आपको कितनी मात्रा इसकी कैसे कैसे लेनी है अब उसके बारे में बात करते हैं। आप एक लगभग 1.5 बीघे के अंदर 2 टंकी पानी के अंदर पूरा कवर कर लेंगे तो आपको जो एल्कोहल की मात्रा थी आपकी 1 क्वार्टर की, आप उसे लगभग 2 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें और एक लीटर पानी आप पहली टंकी में डाल लें और 1 लीटर पानी आप अपनी दूसरी टंकी में लगा लें। इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपनी टंकी में आप पानी की मात्रा फुल कर लें, 15 लीटर पानी, और अपनी टंकी को फुल करने के बाद आप अपने गन्ने पे इसका छिड़काव अच्छे से कर सकते हैं। छिड़काव जो आपको करना है वो शाम के समय में करना है, लगभग 4 बजे के बाद। यदि आप उससे पहले छिड़काव करेंगे तो इसका रिजल्ट उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बात और, आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग एक फसल पे सिर्फ एक बार ही करेंगे तब इसके ज़्यादा फायदा मिलेंगे। यदि आप सोचें कि आप इसका बार बार रिपीट करके इसका यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आज इसका यूज करने के बाद यदि 1 सप्ताह के बाद आप इसका रिजल्ट देखते हैं तो इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आपको दिखाई देगा कि लगभग 1 से 1.5 फीट के अंदर 1 से 1.5 फीट गन्ना आपका बढ़ जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। अगर आप चाहें तो जिब्रेलिक एसिड के अंदर आप NPK 19-19-19 का भी स्प्रे मिक्स कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूँगा, ये है जिब्रेलिक एसिड। इसका उपयोग करने के लिए आपको एल्कोहल के 1 क्वार्टर के अंदर इसका जो पाउडर फॉर्म होगी वो उसे में आप डालें और ये तैयार हो जाएगा इसका घोल, और इसे आप पानी के अंदर मिक्स करके अपने गन्ने के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।